हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर और आप देख रहे हैं सिनेमा साया। तो अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू वर्जन 6 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और अक्षय कुमार, जैसे कि आपको पता है कि वो इन रोल्स में काफ़ी अच्छा डिलीवर करते हैं, वो पहले भी करते रहे हैं। इस तरह की मूवीज़ के अंदर जो कि रेल इंसिडेंट पे बेस होती हैं, वो फिल्म अक्षय कुमार काफ़ी अच्छी करते हैं। तो इस फिल्म में भी वो एक काफ़ी अच्छे इम्पैक्टफुल करेक्टर हमें लग रहे हैं देखने को, और अच्छे करेक्टर, एक सिख का किरदार क्योंकि वो अदा कर रहे हैं। और वो 48 घंटे से एक माइन में जो लोग कुछ फंस जाते हैं और वहाँ पानी आ जाता है बहुत सारा, तो उनको बचाने की कोशिश करते हैं, तो वो उनको रेस्क्यू करते हैं। तो ये इसके ऊपर एक बेस्ड ओरिजिनल द ट्रू स्टोरी है ये एक। और VFX के बारे में छोटी सी बात करना चाहूँगा कि वैसे तो बात ज़्यादा इसमें VFX का काम नहीं है, लेकिन जो शुरुआत में थोड़ा सा पानी वाला वो VFX वाला जो सीन था, जब पानी आ रहा होता है तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, वो थोड़ा सा ख़राब सा लगता है, क्योंकि वो साफ लग रहा होता है कि यार वो किसी ग्रीन शीट पे शूट हुआ है और कहीं से हल्का सा पानी चानी वो पीछे वो हुआ है भाई जान, थोड़ा सा वो अजीब लगा। लेकिन बाकी फिल्म अच्छी है, क्योंकि अक्षय कुमार भाई जान नो डाउट कर ही नहीं सकते ना। ये फिल्म का ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, वैसे काफ़ी सारी चीज़ें तो पता लग जाती हैं इनसे फिल्म से, लेकिन बेहतर, बहुत अच्छा ट्रेलर है। 6 अक्टूबर को रिलीज होगी अक्षय कुमार के फैंस के लिए। अक्षय कुमार के फैंस ज़्यादातर ये फिल्में देखते भी हैं, लेकिन देखना ये होगा कि जो इस टाइम मासी फिल्म चल रही हैं, टाइगर हो गया, ये टाइगर, दोनों टाइगर हो गए ना, टाइगर श्रॉफ वाली अभी जो आने वाली है मूवी, भजन एनिमल आने वाली है, पठान, जवान, इनके दरमियान ये फिल्म कैसे टेक प्लेस करेगी और किस तरह ये कलेक्शन भी करेगी, तो देखते हैं भाई। इसका बजट तो भाई 100 करोड़ से तो ऊपर ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई 80-90-100 करोड़ तो सिर्फ अक्षय कुमार ही ले लेते हैं। तो आपको क्या लगता है इसके ट्रेलर के बारे में, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें। और आने वाली वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, तमाम बॉलीवुड के अपडेट्स, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अपडेट और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।